गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज़ इंटीग्रेशन तो लास्ट हमने एक टॉपिक ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है दैट इज डिफरेंशिएशन तो डिफरेंशिएशन जो है वो उस पर हम क्या चीज़ करते हैं वी हैव अ फंक्शन उसमें मेरे पास एक फंक्शन दिया होता है और उसको आप डिफरेंशिएट करते हो और उसमें चेंज बताते हो कि विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर नंबर उस पर्टिकुलर नंबर में कितना चेंज आ रहा है तो वहाँ पे हम फंक्शन से चलते हैं और फंक्शन से सॉल्व करते हुए हमारे पास एक डेरिवेटिव आ जाता है ठीक है तो डिफ्रेंसीशन uh, में वी आर स्टार्टेड फ्रॉम अ फंक्शन एंड एट द एंड वी विल गेट अ डेरीवेटिव क्लियर तो फॉर एग्जाम्पल दिस केस वी हैव वाई इज इक्वल टू एक्सक्र और दिस एक्सक्र जो है दैट इज़ अ फंक्शन जिसकी हमने डिफ्रेंसीशन करनी है तो जब हम इसको डिफ्रेंसीशन करते हैं इसको तो विद रिस्पेक्ट टू किसी नंबर के करते हैं आप क्लियर तो यहाँ पे मैंने x के रिस्पेक्टिवली की तो मेरे पास आ गया dy वाई बाई डी एक्स इट मीन्स चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x देन वी विल गेट dy वाई डी एक्स इन टू एक्सक्र और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यू एज यू ऑल नो पावर जो फ्रंट में आ जाएगी पावर में से आप एक नंबर को सब्ट करेंगे और बेस का दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपके पास टू एक्स आ जाएगा तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि जो आपके पास एक्सक्र यहाँ दिया है वो एक्सक्वियर क्या चीज़ है दैट इज़ अ फंक्शन और जब आपने उसको डिफ्रेंशियट किया तो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ये जो टू एक्स आया दैट इज़ अ डेरीवेटिव तो डिफ्रेंशिएशन में हम फंक्शन से डेरीवेटिव के पास पहुँचते हैं क्लियर अब इंटीग्रेशन क्या है ये आपका जीरो चैप्टर है रेफरेंस में मैथमेटिकल टूल जिसमें फ़र्स्ट पार्ट डिफ्रेंशिएशन था और सेकेंड पार्ट मैंने लीव किया हुआ था ये आप वहाँ से पढ़ेंगे इसको मैथमेटिकल टूल्स जो है वहाँ पर जो सेकेंड कॉन्सेप्ट है आपका इंटीग्रेशन का अगर मैं इंटीग्रेशन देखूँ तो इंटीग्रेशन जो है इट इज़ द एग्जैक्टली रिवर्स ऑफ द डिफ्रेंशेसन जो डिफ्रेंशिएशन है उसका उल्टा है मीन्स वहाँ पर हम फंक्शंस होते हैं हमारे पास हम उसका डेरीवेटिव लेते हैं लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है हमारे पास इंटीग्रेशन हम हमेशा किसी फंक्शन की नहीं कर सकते इंटीग्रेशन में हम हमेशा एक डेरीवेटिव लेते हैं उस डेरीवेटिव की इंटीग्रेशन करते हैं और वहाँ से मेरे पास एक फंक्शन आता है मीन्स यहाँ पर जैसे एक्सक्वियर है एक्सक्वियर्स को डिफ्रेंशिएट किया तो मेरे पास टू एक्स आ गया तो अगर मैंने डिफ्रेंशिएट करना है फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में तो मैं टू एक्स को जब डिफरेंस ये मेरे पास टू एक्स है जो किसी का डेरिवेटिव है अगर मैं आपसे पूछू ये किसका डेरिवेटिव है तो आप बोलेंगे ये एक्स क्यूर का डेरिवेटिव है क्लियर तो जब आप इंटीग्रेशन करने लगेंगे तो फॉर एग्जांपल आप टू एक्स की इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आपने फर्स्ट स्टेप हमेशा ध्यान रखना है कि आप किस नंबर की इंटीग्रेशन कर सकते हैं तो आप हमेशा याद रखेंगे हमेशा हम उन्हीं नंबर्स की इंटीग्रेशन कर सकते हैं जो किसी ना किसी फंक्शंस के डेरिवेटिव्स होते हैं इंटीग्रेशन में वी हैव टू इंटीग्रेट ओनली द डेरीवेटिव ऑफ एनी फंक्शंस अगर कोई नंबर किसी भी नंबर का डेरीवेटिव नहीं है ठीक है कोई भी नंबर किसी दूसरे या किसी भी फंक्शन का डेरीवेटिव नहीं है तो हम उस वाले नंबर की इंटीग्रेशन नहीं कर सकते ये सबसे और फार मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आप ध्यान रखेंगे ठीक है तो जब आप इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लेंगे तो इंटीग्रेशन में यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट द डेरिवेटिव आपके पास डेरिवेटिव होना चाहिए डेरिवेटिव है तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं तो इंटीग्रेशन में आप डेरिवेटिव की इंटीग्रेशन करते हैं जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास फंक्शन आएगा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको टू एक्स दूंगी और टू एक्स को मैं आपको बोलूंगी उसको इंटीग्रेट करिए आप तो जब आप टू एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद आपको फंक्शन आना चाहिए जिसका भी वो फंक्शन है यानी कि आंसर एक्सक्वेयर आना चाहिए तो एक्सक्वेयर क्या चीज़ होगी एक्सक्वेयर इज़ द फंक्शन तो इंटीग्रेशन में डिफ्रेंसीशन में देखो फंक्शन से चलते हैं डेरिवेटिव पे आते हैं इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव होना चाहिए वहाँ से हम क्या चीज़ का इंक्लूड करते हैं फंक्शन करते हैं इट इज़ द रिवर्स ऑफ द डिफ्रेंसीशन क्लियर ये आप ध्यान रखेंगे इंटीग्रेशन को हम इंटेग्रल से रिप्रजेंट करते हैं ऐसे इंटेग्रल लगाना है इसको ऐसे बनाना है सी नहीं लिखना है इसको एस बी नहीं लिखना है ऐसे थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन लेनी है ऐसे करके और इसको ऐसे कर देना इसको है इसको इंटेग्रल बोलते हैं विच इज़ द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन क्लियर सो आपके पास फर्स्ट चीज़ आती है फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू पर एन जैसे आपके पास y इज़ इक्वल टू एक्स रेज टू पर एन होता था आप उसकी डिफ्रेंसीशन भी करते थे और उसकी डिफ्रेंसीेशन जैसे मैंने आपको ये दिया y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पर एन और आप इसकी डिफ्रेंसीशन करते थे देन यू विल गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पावर फ्रंट में आ जाएगी बेस सेम रहेगा पावर में से एक नंबर माइनस इंटू डी बाय डी एक्स बेस की दोबारा से होती थी क्लियर अब इसमें क्या चीज़ होगी तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि आपके पास y इज इक्वल टू एक्स रेस टू पार एन है तो आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है जैसे आप डिफ्रेंसीशन भी किसी के रिस्पेक्टिवली करते हैं वैसे ही इंटीग्रेशन भी हम किसी भी नंबर के रिस्पेक्टिवली ही करते हैं यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पार एन है तो मैंने आपको बोला इस डी लगा डी जो है दैट इज़ द सिंबल ऑफ डिफ्रेंसीशन फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा डी वाई डी वाई मीन्स इट इज़ द डिफ्रेंशन इन वाई क्लियर डी जो है वो चेंज को रिप्रजेंट करता है और चेंज मीन्स डिफ्रेंसीशन अगर इंटीग्रेशन को मैं ऐसे ही आपको एक चीज़ बताऊँ कि इंटीग्रेशन को आप इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना जुड़नी है चीज़ें और डिफ्रेंसीशन का मतलब होता है चेंज बताना ठीक है तो यहाँ पे मेरे को अगर मैंने y की इंटीग्रेशन करनी है तो y की इंटीग्रेशन आप ये सिंबल लगाएंगे इंटीग्रेशन क्लियर और यहाँ लिखेंगे डी वाई क्योंकि आप जब इसको सॉल्व करो तो यही आना चाहिए तो देखो इसका क्या मतलब है डी का मतलब है चेंज इन वाई और इसका मतलब है इंटीग्रेशन ये इंटीग्रेशन है डी मींस डिफ्रेंसिएशन आप कर सकते हो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास वाई ही बचेगा ठीक है ये फर्स्ट स्टेप है सेकेंड राइट हैंड साइड को भी आपने इंटीग्रेशन करना है एक्स रेज टू पर एन करनी है पर इंटीग्रेशन भी खाली आप ऐसे नहीं लिख सकते एक्स रेज टू पार एन आगे आपको लिखना पड़ेगा क्या चीज़ करनी पड़ेगी यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू तो आप किसके कर रहे हो तो इसमें वेरिएबल टर्म कौन सी है एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्टिवली ही आपकी इंटीग्रेशन होगी तो आप इसको लिखोगे इंटू डी एक्स क्लियर यह सिंपल सी चीज़ है इसको आप भूल रहे तो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो वाई इज इक्वल टू एक्स रेस्ट उपर एन है तो आप इसको कैसे लिखते हैं डी वाई बाय डी एक्स क्योंकि चेंज तो एक्स के रिस्पेक्टिवली आएगा इज इक्वल टू एक्स रेस्ट उपर एन इस फॉर्मूला नहीं पुट करना है क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं देन वी विल गेट डी वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू पार एन इंटू डी एक्सेस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया अब आप लगा दो इंटीग्रेशन ये क्लियर तो यहाँ से जब मैं सॉल्व करूंगी तो डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरे पास वाई बचेगा और ये मेरे पास एक्स रेज टू पार एन ये लिखने का तरीका है कैसे आप अप्लाई करोगे फिर आगे आप करते जाएंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा अब मैंने क्या किया ये लिख दिया आपको y की इंटीग्रेशन की तो डी वाई आ जाएगा एक्स रेज टू पार एन dx डी एक्स आ जाएगा डी एक्स के रिस्पेक्टिवली आ रहा है अब आप क्या करेंगे इसको आप सॉल्व करेंगे क्लियर ये तो आपको पता है ये कैंसिल आउट हो गया वाई आएगा राइट हैंड साइड लेके चलना हमने तो इसका जो फॉर्मूला होता है एक्स रेस्ट टू पर एन एक्स टू पर एनी पावर तो ये क्या होता है अब इंटीग्रेशन का साइन हटा देना आपने क्लियर जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्र करते थे तो आप एक्स रेज टू पर एन का फॉर्मूला लगाते थे एन एक्स रेज टू पर डी बाई डी एक्स तो हटा देते थे वैसे ही जब हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ना इंटीग्रेशन आएगी ना डी एक्स आएगा साथ में ये ध्यान रखना है ठीक है इसको आप रिमूव करेंगे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाने के बाद सिर्फ आप यहीं पर अप्लाई करोगे वहाँ पर क्या होता था पावर फ्रंट में आती थी और पावर में से एक नंबर आप रिड्यूस करते थे यहाँ क्या होगा इंटीग्रेशन का साइन एज़ इट इज़ रहेगा अब इसमें फॉर्मूला जब आप अप्ला, अप्लाई करोगे तो इंटीग्रेशन साइन रिमूव कर देना और ब्रैकेट लगा देना यहाँ पे यहाँ क्या आएगा एक्स बेस वैसे रहेगा उसमें माइनस होता था इसमें एडिशन होती है एन प्लस वन क्लियर और जो आपकी पावर आई है वही पावर डिनोमिनेटर में आ जाएगी बस डी एक्स भी आ जाएगा इंटीग्रेशन भी हट जाएगी क्योंकि डी एक्स और इंटीग्रेशन एक ही टर्म है इसी के रिस्पेक्टिवली हो रहा है ये फॉर्मूले से रिमूव हो जाएगी x रेज टू पर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन यहाँ लिमिट्स नहीं है जैसे यहाँ पे लोअर लिमिट लगती है या अपर लिमिट लगती है ये मैं आगे करवाऊंगी अगर बिना लिमिट्स के आप इंटीग्रेशन करते हो तो साथ में एक कॉन्स्टेंट नंबर लिखा जाता है आप उसको k लिखेंगे सीधे क्लियर तो आपका फॉर्मूला ये बनता है एक्स रेज टू पर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इंटू अ कॉन्सटेंट टर्म अगर लिमिट्स दी होगी तो कॉन्स्टेंट टर्म नहीं लगेगी ये हम आगे करते जाएंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा फॉर एग्जाम्पल अब आपको ये दिया है आपको इंटीग्रेट करना है वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू पार टू तो आप इसको इंटीग्रेट करो ठीक है तो आप इसको कैसे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्र डी वाई इज इक्वल टू एक्सक्र इंटू डी एक्स ऐसे ही आएगा और आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे क्लियर अब आपने x रेज टू पार n का फॉर्मूला लगाना है तो x पावर में एक नंबर ऐड कर दोगे वही पावर डिनोमिनेटर में आ जाएगी विदाउट लिमिट से तो प्लस k आ जाएगा तो आंसर आएगा आपका एक्स रेज टू पार थ्री प्लस थ्री प्लस वन क्लियर इट इज़ द एग्जांपल जो आपका फर्स्ट वाले का फॉर्मूले का एग्जांपल है क्लियर अब नेक्स्ट है वाई इज इक्वल टू वन तो मैंने आपको लास्ट डिफेंसिएशन में बोला था कि अगर आपके पास कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म दी है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ दी है तो कॉन्स्टेंट टर्म की जब भी आप डिफेंसीशन करते हो तो वो ज़ीरो आती है ये थोड़ा ध्यान रखना है आपने वो ज़ीरो आता है लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता है अब अगर आप इसको लिखोगे तो क्या लिखेंगे आप डी वाई बाई डी एक्स इंटू वन इट कैन बी रिटर्न एज डी वाई वन इंटू डी एक्स क्लियर ये लिखा मैंने इसको इंटीग्रेट करेंगे अब आप क्या करेंगे लास्ट में डिफ्रेंसिएशन किसी भी कॉन्स्टेंट टर्म की ज़ीरो आती थी लेकिन यहाँ नहीं आएगा यहाँ पे आप क्या करोगे कॉन्स्टेंट टर्म बाहर चली जाएगी यहाँ पे वन भी हो सकता है फाइव टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट टर्म तो यहाँ पे आप कांस्टेंट टर्म को बाहर ले जाओगे इंटीग्रेशन ऑफ ये वाली टर्म आएगी तो आप क्या करोगे इसमें अगर मैं इसको सिंपल तरीके से देखूँ जैसे यहाँ लिख रही हूँ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स है अगर सिंपल मैथ देखना हो तो मैंने आपको बोला इंटीग्रेशन ऑफ डी क्लियर ऐसे नहीं होना चाहिए एक्स इंटू डी एक्स ऐसे नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके आगे एक वेरिएबल टर्म है तब नहीं अप्लीकेबल है ये ऐसे होना चाहिए इंटीग्रेशन के आगे सिर्फ खाली डी एक्स डी वाई डी जेड डी वी ऐसा होना चाहिए तो डिफ्रेंसीशन और ये डी का मतलब होता है चेंज तो ये और ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं रिवर्स होते हैं तो ये कंसर आउट होकर हमारे पास सिर्फ आंसर क्या बचेगा एक्स बचता है अगर शॉर्टकट मेथड से देखना हो अगर नहीं देखना है तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं चलो वन को आप अंदर ही रहने दो वन इन टू डी एक्स क्लियर अब आपने वन को लिखना है मैंने क्या बोला इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स जब आप करोगे तो उसका आंसर एक्स आना चाहिए तो मैंने इसको वन को लिखा तो आप इसको ऐसे लिख दो एक्स रेज टू पार जीरो इंटू डी एक्स एनी थिंग रेज टू पार जीरो इज इक्वल टू वन सो एक्स रेज टू पार जीरो इज ऑल्सो इक्वल टू वन यहाँ मैंने क्यों किया क्योंकि यहाँ पे एक्स है तो एक्स रेज टू पार जीरो dx डी एक्स क्लियर अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो ब्रैकेट आप रिमूव इंटीग्रेशन आप ब्रैकेट से रिमूव करोगे x एज इट इज़ n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन यहाँ एन कितना है ज़ीरो ज़ीरो प्लस वन अपॉन ज़ीरो प्लस वन सॉल्व और साथ में एक कांस्टेंट टर्म लग जाएगी तो आपके पास क्या आंसर आएगा x प्लस के तो ये आता है x मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स दिया हो तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स दिया है तो या फाइव दिया हो सिक्स दिया हो तो फाइव को आप बाहर ले जाना मैं आगे करवाती हूँ आपको तो उसका आंसर आपके पास x आएगा ओके फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐसे दिया है नेक्स्ट आपको ऐसे दिया है y इज इक्वल टू फाइव आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो आप इसको लिखोगे डी वाई इज इक्वल टू फाइव ऑफ डी एक्स देन यू हैव टू पुट द साइन ऑफ इंटीग्रेशन इन दिस केस यू हैव टू फर्स्ट ये जो आपके पास फाइव है एनी कॉन्स्टेंट टर्म उसको आपको बाहर रिमूव करना है तो मैंने इसको बाहर रिमूव कर दिया अंदर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स आ गया क्लियर तो शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर दो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डी से इंटीग्रेशन के आंसर हो जाएगा आपके पास सिर्फ एक्स आंसर आना चाहिए तो आंसर आएगा फाइव एक्स अगर आपने प्रूव करना है तो इसको ऐसे कर लो फाइव यहाँ पे क्या है वन है इसको वन लिख सकते हो वन को आप एक्स टू पार जीरो इन टू डी एक्स लिखोगे देन फाइव आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला देन यू विल गेट जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन प्लस अकॉन्सटेंट टर्म देन यू विल गेट फाइव इंटू एक्स प्लस के फाइव डी एक्स की इंटीग्रेशन फाइव एक्स आती है क्लियर ये आपका फार्मूला है अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इफ़ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस एक्स इसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है तो अगेन वेरी सिंपल डी वाई क्लियर एक्स स्क्र प्लस एक्स इंटीग्रेशन आप अप्लाई करेंगे डी एक्स साथ में लगेगा अगर यहाँ पे एक्स वाई स्क्र प्लस वाई होता तो यहाँ पे डी वाई लगाते आप क्लियर तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा ब्रैकेट ब्रेक करनी है आपने जैसे आप डिफ्रेंशन में कर देते देखो मल्टीप्लाई तो इन दोनों टर्म के साथ dx तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले आप इसको इसके साथ करो फिर इसको इसके साथ करो तो इंटीग्रेशन भी ब्रेक हो जाएगी तो आएगा एक्स स्वियर ये टर्म इसके साथ इन टू डी एक्स बीच में क्या लगा है प्लस साइन अगेन इंटीग्रेशन तो इसकी भी करनी है ब्रेक कर दिया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स किसके साथ डी एक्स के साथ क्लियर नाउ अप्लाई द फार्मूला अब यहाँ पे दो दो बार के नहीं लगाना है किसको सॉल्व करो तो के लगा रहे हो इसको सॉल्व करो के नहीं एक ही लास्ट बार के लगेगा एक बार ही कांस्टेंट लगाना होता है आपने तो ये बनेगा x टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन प्लस इसकी पावर क्या है वन इट इज इक्वल टू वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन ब्रैकेट और साथ में एक कांस्टेंट टर्म देन योर आंसर इज एक्स क्यूब बाय थ्री एक्स स्क्र बाय टू प्लस के इट इज योर आंसर अब आपके पास नेक्स्ट फार्मूला दिया है मैंने आपको दो फार्मूले करवा दिए क्लियर एक आपका आया एक्स रेस टू पार एन का फार्मूला क्लियर और एक आया इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म ये दो फॉर्मूले आप अप्लाई कर चुके हैं अब थर्ड फार्मूला आएगा आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे दिया है ये थर्ड फार्मूला इफ वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू पार माइनस वन ओके y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पार माइनस वन देन यू हैव डी वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू पार माइनस वन इन टू डी एक्स सॉ राइट एंड साइड लेके चलते हैं तो अब इसमें आप क्या करेंगे x रेज टू पार माइनस वन प्लस वन जो फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं पावर में एक नंबर माइनस एक एड प्लस कॉन्स्टेंट टर्म नीचे आ जाएगा माइनस वन प्लस वन ऊपर तो माइनस वन प्लस वन दैट इज इक्वल टू जीरो सो एक्स रेस टू पार ज़ीरो अपॉन जीरो तो आपके पास तो आंसर आ गया एक्स रेस टू पार ज़ीरो अपॉन जीरो प्लस के विच इज नॉट डिफाइंड यानी कि इसका आंसर तो इन्फिनिटी आप तो आप इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे हाँ अगर यहाँ पर एक्स रेज टू पर माइनस टू है माइनस थ्री है माइनस फोर है तब एप्लीकेबल है फॉर्मूला वो ये वाला मैं आगे करवाती हूँ लेकिन सिर्फ जब x रेज टू पर माइनस वन दिया हो तो आप ध्यान रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत जगह आप न्यूमेरिकल्स में यूज करते हो x रेस टू पर माइनस वन में आप इस तरीके से नहीं करते सॉल्व इसको आप ऐसे करेंगे यहाँ से कर रही हूँ मैं ठीक है करेक्ट मैथड लिख रही हूँ करेक्ट वे क्या है इसको सॉल्व करने का डी वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू पर माइनस वन इंटू डी एक्स था तो आप इसको ऐसे लिखेंगे डी एक्स ऊपर और एक्स रेज टू पर माइनस वन है इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ तो आपके पास एक्स हो जाएगा क्लियर अब आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे नीचे मेरे पास एक्स है क्लियर अगर मैं आपको बोलूँ एक्स का आप डेरीवेटिव निकालो डेरीवेटिव मतलब डिफ्रेंसीशन में आप जाएंगे ठीक है कन्फ्यूज़ नहीं होना है मैं डिफ्रेंसीशन निकाल रही हूँ डेरीवेटिव निकालना है और यहाँ पे डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट लगेगा तो अगर आपने एक्स का ये एक्स का डिफरेंशिएशन करनी है इसका डेरिवेटिव निकालना है तो आपके पास क्या आएगा डी वाई बाय डी एक्स इसकी पावर वन है पावर फ्रंट में आ जाएगी एक्स एज इट इज़ वन में से एक नंबर आप माइनस करोगे इंटू डी एक्स बाय डी एक्स मैं बहुत करवा चुकी हूँ पूरा एग्जैक्ट नहीं करूँगी तो आपके पास आपके पास क्या आ रहा है देखो पावर फ्रंट में आ गई ये डिफ्रेंसिएशन चल रहा है पावर में से एक नंबर माइनस कर दिया तो आपके पास आया वन इन टू एक्स रेज टू पा जीरो विच इज़ इक्वल टू वन यानी कि जो x है जो आपका x है ये क्या चीज़ है फंक्शन है और ये जो वन है ये क्या चीज़ है डेरीवेटिव है वन इज़ द डेरीवेटिव ऑफ किसका x का क्लियर अगर यहाँ पे कोई और नंबर भी दिया होता है जेड दिया होता तो आप लिखते डी वाई बाई डी जेड वन जेड रेज टू पावर वन माइनस वन विच इज इक्वल टू वन तो आप वो बोलोगे वन इज़ द डेरिवेटिव ऑफ जेड लेकिन यहाँ पे मेरे को एक्स दिया है तो अगर मैं x को फंक्शन मानूँ और उसका डेरिवेटिव निकालूँ तो x को फंक्शन मान के जब मैंने उसका डेरिवेटिव निकाला तो आंसर आया वन क्लियर सो वन वी कैन सिंपली और इन अ वेरी इजी वे हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि वन जो है अभी इस स्टेज पे वन इज़ द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्लियर अब आप यहाँ आएंगे डी एक्स और इंटीग्रेशन तो लगाने पड़ते हैं हमें साथ में अगर एक्स हमारे पास फंक्शन हो डिनोमिनेटर में ध्यान रखेंगे आप डिनोमिनेटर में अगर मेरे पास एक फंक्शन दिया हो और न्यूमिनेटर में उसका डेरीवेटिव दिया हो अब यहाँ पर आपके पास डेरीवेटिव तो दिया नहीं है लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं यहाँ वन लिख दो चलेगा क्योंकि वन जो है वो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो कोई फ़र्क नहीं आएगा यानी कि नीचे मेरे पास ये नहीं है इसका डेरिवेटिव ये तो अलग चीज़ है इंटीग्रेशन के साथ चलता ही है नीचे मेरे पास फंक्शन दिया है ये देखो फंक्शन उसका डेरिवेटिव वन ऊपर उसका डेरिवेटिव दिया है हमेशा आप ध्यान रखेंगे अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास फंक्शन हो और न्यूमिनेटर में उसका डेरीवेटिव दिया हो क्लियर तो आप जब उसकी इंटीग्रेशन करते हैं जैसे यहाँ पर जब आप उसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर आएगा लॉग लॉग और साथ में फंक्शन फंक्शन क्या है यहाँ पे एक्स फंक्शन है और वन क्या चीज़ है डेरिवेटिव, तो उसका रिजल्ट आएगा लॉग और यहाँ पे छोटा सा ई लॉग टू द बेस ई और साथ में क्या चीज़ लग जाता है फंक्शन ये ध्यान रखना यहाँ क्या चीज़ लगेगी फंक्शन लगेगा ये है इसका सॉल्व करने का यानी कि एक्स रेस्टू पर माइनस वन इंटू डी एक्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या log e, आएगा लॉक टू द बेस ई एक्स आएगा क्लियर ठीक है अच्छा एक और चीज़ आप ध्यान रखेंगे हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन बेस्ट देखो जब हम डिफ्रेंसीेशन में चलते हैं तो मैंने आपको बता दिया फंक्शन से चलते हैं डेरीवेटिव में आता है फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये सम करवाया तो यहाँ पर मैं एक्सक्वेयर को सॉल्व कर रही हूँ तो एक्सक्वियर को सॉल्व करके यहाँ आ रही हूँ तो यहाँ पर ये एक्सक्वियर क्या चीज़ है ये डेरीवेटिव ये फंक्शन नहीं है ये क्या चीज़ है ये डेरीवेटिव है और ये जो लास्ट में मेरे पास रिजल्ट आता है वो क्या चीज़ होता है ये फंक्शन होता है और डिफ्रेंसीशन में हम फंक्शन से चलते हैं डेरीवेटिव पे पहुँचते हैं और इंटीग्रेशन में डेरीवेटिव से चलना और फंक्शन में पहुँचना है अब देखो हम प्रूव भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको ये बताया एक्सक्वेयर जो वो है वो फंक्शन है डिफ्रेंसीशन में और टू एक्स उसका डेरीवेटिव है तो अब मैं टू एक्स की इंटीग्रेशन करूँगी तो आंसर एक्सक्वेयर आना चाहिए क्लियर तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ ये सॉल्व कर रही हूँ इसको मैं आपको दिया वाई इज इक्वल टू टू एक्स आपने इसको इंटीग्रेट करना है तो आपके पास आ जाएगा डी वाई टू एक्स इंटू डी एक्स देन इंटीग्रेशन टू कॉन्स्टेंट टर्म है वो आप बाहर लेके जाएंगे तो टू बाहर आ गया इसमें भी कॉन्स्टेंट टर्म बाहर जाती है x और dx एक्स क्लियर टू एज इट इज़ पुट द फॉर्मूला सो x इज इक्वल टू इसकी पावर वन है तो वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन और साथ में कॉन्स्टेंट टर्म लगानी है आपने फॉर्मूला जब आप अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन और डी दोनों निकल जाएंगे और साथ में कॉन्स्टेंट टर्म लगेगी तो आपके पास आंसर आ जाएगा टू इन टू एक्स की पावर टू अपॉन टू प्लस के टू के साथ टू कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास आंसर आया एक्स स्क्र प्लस के तो आंसर एक्स स्क्र आया देखो टू एक्स जो था डेरिवेटिव था एक्स स्क्र जो था फंक्शन था इंटीग्रेशन में फंक्शन चले डेरिवेटिव में पहुंचे इंटीग्रेशन में क्या हुआ देखो डेरीवेटिव की इंटीग्रेशन की और आपके पास आंसर क्या आया ये फंक्शन आया क्लियर और ये क्या है डेरिवेटिव। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ओके okay. तो ये आपका नेक्स्ट भी बनता है कांस्टेंट टर्म्स होगी तो बाहर चले जाना है अब जैसे मैंने एक और क्वेश्चन दिया आपको आपके पास है वाई इज इक्वल टू टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस फोर क्लियर आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो आपके पास आएगा डी वाई इंटीग्रेशन के साथ इंटीग्रेशन यहाँ लगाई तो यहाँ आ जाएगा टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस फोर और साथ में लग जाएगा डी एक्स आप इसको ब्रेक करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स क्यूब खाली इंटीग्रेशन के साथ नंबर नहीं आता डी एक्स भी लगेगा साथ में तो आ जाएगा डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ थ्री एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ फोर इंटू डी एक्स ओके तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म वेरिएबल के साथ लगी है तो आप टू को बाहर ले जाएंगे इंटीग्रेशन सिर्फ एक्स क्यूब और डी एक्स की होगी प्लस यहाँ पे थ्री बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन एक्स और डी एक्स की होगी प्लस अब बच्चे क्या करते हैं इसको जीरो कर देते हैं यानी जी फोर तो कॉन्स्टेंट टर्म है तो जीरो हो जाएगा वो डिफ्रेंसीशन में होता है ठीक है इंटीग्रेशन में नहीं होता है. तो उसमें आप फोर को भी बाहर लेके जाएंगे और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स रहेगी और यहाँ पे क्या है वन है वन की मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन ऑफ वन की क्या चीज करवाई है अभी मैंने आपको फॉर्मूला करवाया है इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स अगर आपके पास दिया हो ये देखिए डीएक्स दिया हो तो डीएक्स को जब हम सॉल्व करते हैं तो डीएक्स की इंटीग्रेशन एक एक्स आती है डीएक्स मतलब देखो इंटीग्रेशन से डिफ्रेंसिएशन चला जाता है ना तो एक्स आता है साथ वाला नंबर जो होगा तो आप इसको क्या सॉल्व करेंगे देखो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ टू इसको क्या करेंगे आप सॉल्व ब्रैकेट लगा दोगे एक्स की पावर थ्री प्लस वन तो फोर अपॉन फोर ब्रैकेट बंद प्लस थ्री इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की पावर वन है तो वन प्लस वन टू अपॉन टू प्लस फोर आप इसको डायरेक्ट कर दो डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेट कैंसिल आउट कर दो ये जो मैंने पीछे आपको किया वो देख लो आप तो आंसर आएगा फोर एक्स ओके तो आपके पास इसको सॉल्व कर देना तो आपके पास आंसर आएगा टू क्लियर ये आपका इंटीग्रेशन का concept. अब नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया है माइनस टू तो इसको नहीं लेके जाना नीचे ठीक है इसको क्या करोगे आप देखो मैंने किया डी वाई इज इक्वल टू एक्स रेस्ट ऊपर माइनस टू ये सिर्फ एक्स रेस्ट पर माइनस वन में लॉग आएगा बाकी में नहीं आता तो एक्स रेस्ट ऊपर माइनस टू इन टू डी एक्स अब इसको फॉर्मूले से सॉल्व करो तो ये नहीं बनेगा नॉट डिफाइंड इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एक्स रेस्ट पर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट टर्म आ रहा है तो आंसर आ रहा है एक्स रेस्ट पर माइनस वन अपऑन माइनस वन प्लस के तो ये तो नॉट डिफाइंड आया नहीं तो इसको हम लिख देते हैं माइनस वन अपॉन एक्स माइनस यहाँ लिख दिया और इसको डिनोमिनेटर में ले गए तो ये नहीं आ रहा नॉट डिफाइंड तो ये करेक्ट वे है इसको करने का ठीक है अब बच्चे बोलते हैं कि इसको लॉग से क्यों नहीं कर सकते हम लॉग से कर लो तो अब लॉग से अगर मैं करूँगी करेक्ट वे यही है अगर मैं लॉग से करूँ तो क्या बनेगा एक्स रेज टूपार माइनस टू इन टू डी एक्स ऑफ डी वाई और इंटीग्रेशन लगा दी तो मैंने इसको लिखा डी एक्स अपॉन एक्स क्यार और इसको इंटीग्रेट कर दिया अब सब स्टूडेंट्स को होता है कि इसको लॉग से करिए लॉग से क्यों नहीं हो रही तो देखो लॉग से क्यों नहीं होगा मैंने आपको बोला है कि लॉग तब लगता है जब नीचे फंक्शन दिया हो और ऊपर उसका डेरीवेटिव लगाओ क्लियर डेरीवेटिव होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो अब जैसे एक्स है तो ये फंक्शन होना चाहिए ऊपर उसका डेरिवेटिव होना चाहिए तो अगर मैं कंसीडर करूँ वाई इज इक्वल टू एक्सक्र एज अ फंक्शन और उसका डेरिवेटिव निकालू तो वाई इज ईक्ल टू एक्सक्वेयर का डेरिवेटिव क्या होता है टू एक्स ऊपर तो जो है न्यूमिनेटर में टू एक्स होना चाहिए अब टू बोले बच्चे बोलते हैं एक्स दिए है लेकिन डी एक्स अलग चीज़ है डी एक्स तो एक पूरा नंबर है यहाँ पे टू और एक्स एक्स उसके साथ होना चाहिए डी एक्स अलग चीज़ है और एक्स अलग चीज़ है क्लियर तो न्यूमिनेटर में मेरे पास टू भी होना चाहिए साथ में एक्स भी होना चाहिए तो ऊपर तो उसका है नहीं फंक्शन दिया हो ठीक है उस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर दिया नहीं है तो अब इसका आंसर लॉक टू द बेस ई एक्स क्वेयर नहीं होगा ये तभी होगा जब ऊपर क्या चीज़ लगी होनी चाहिए यहाँ पे क्या चीज़ दी होती यहाँ पे टू एक्स दिया होता है ऐसे होता है ना लिखा हो ऊपर टू एक्स इन टू डी एक्स और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्र दिया होता ठीक है अगर ऐसे लिखा होता है सिर्फ तो एक्स स्क्र का ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में फंक्शन है और न्यूमिनेटर में उसका डेरीवेटिव दिया हो ठीक है दिया है डेरीवेटिव तो आंसर आना था लॉक टू द बेस ई और साथ में फंक्शन लगता है डेरीवेटिव नहीं आता फंक्शन क्या है एक्स स्क्र तो आपका ये आंसर आता अभी नहीं दिए तो आंसर नहीं आएगा ओके okay? सो so, ये आपका आज का टॉपिक अब आपको मैं कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस दे रही हूँ जो आप सॉल्व करेंगे ठीक है और आपने कोशिश करना है कि आप सॉल्व कर सको इसको तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू एक्स रेस्ट उपार क्यूब प्लस फोर सेकेंड है वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्र प्लस वन अपॉन एक्स स्क्र माइनस टू एक्स थर्ड है वाई इज इक्वल टू टेन ये आपने सॉल्व करना है ओके okay, ये तीन क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं